हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू प्रेशस कंप्यूटर। आज मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल में एक बेहतरीन फंक्शन, जिस फंक्शन का नाम है रैंक फंक्शन और दूसरा फंक्शन होता है परसेंट रैंक फंक्शन। ये दोनों फंक्शन सेम सिमिलर होते हैं, इसमें बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो आइए आज जानते हैं कि भाई रैंक फंक्शन क्या होता है, इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं और इसका यूज़ क्यों करते हैं। देखिए रैंक फंक्शन जो होता है, रैंक फंक्शन किसी भी कॉलेज स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बंदा कोई लड़का नंबर पाया हुआ है, तो अगर 10 या 10 से अधिक लड़के हैं, 100 हैं, 1000 हैं, उन सभी लड़कों के नंबरिंग को लेते हुए परसेंटेज की हम लोग क्या करते हैं कि पोजीशन को जानते हैं कि भाई इसमें अलग अलग लड़के ने अलग अलग नंबर पाया, अलग अलग परसेंटेज पाया, तो उसकी पोजीशन क्या है। मतलब उस बैच में एक नंबर पोजीशन पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, मतलब फर्स्ट क्लास किसने पाया है, सेकेंड क्लास किसने पाया, थर्ड क्लास किसने पाया, इस तरीके से कर रैंकिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैंक फंक्शन का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं रैंक को यूज कैसे करते हैं। रैंक फंक्शन देखिए पहले से हमने यहाँ अप्लाई किया हुआ है, जो कि रैंक फंक्शन यहाँ फंक्शन दिखा रहा है इक्वल टू रैंक और सेल एड्रेस दिखा रहे H2, डबल क्लिक हम करते हैं। यहाँ देखिए H2 मतलब नंबर और रिफरेंस का मतलब मैंने पूरे सेल एड्रेस को ले रखा हुआ है। तो आइए इसी तरीके से नीचे हम बताते हैं कि भाई इसका यूज कैसे करते हैं। आप यहाँ पर इक्वल टू दबाते हैं, सबसे पहले इक्वल टू दबाने के बाद आप लिखते हैं रैंक। रैंक लेने के बाद अगर आप टैब बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आपको रैंक का नीचे फार्मूला दिख जाता है कि भाई क्या आपको फार्मूला देना है। यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है नंबर, नंबर का मतलब किस नंबर की रैंकिंग आपको जाननी है। जैसे आपको रैंकिंग जाननी है 75.2, शीला की जवानी, इसकी रैंकिंग अगर आपको जाननी है तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप कामा देते हैं। कामा देने का देखिए मांग रहा है रिफरेंस। रिफरेंस का मतलब उन सभी स्टूडेंट्स का नंबर जिस स्टूडेंट्स के नंबरों से हमें कंपेरिजन कराकर उस पर्सन के रैंकिंग को निकालनी होती है, रैंकिंग को जाननी होती है। तो यहाँ पर हमने दे दिया कि भाई ये स्टूडेंट का हमें रैंकिंग जाननी है। अब किस में जाननी है, तो रिफरेंस में आप पूरे डेटा को ले लेते हो कि इतने लड़कों ने अलग अलग नंबर परसेंटेज पाया हुआ, इन सभी का हमें क्या करना है कि इन सभी में कंपेरिजन करके इसकी रैंकिंग को निकालनी है। ये कर देते, करने के बाद आप एंटर करते हैं। ये देखो एंटर करते ही इसकी पोजीशन दिखा दिया 2 नंबर, मतलब ये जो बंदा है 73.8% पाया, जिसकी रैंकिंग है 4 नंबर, चौथे पोजीशन पर ये पर्सन है, ये दूसरे पोजीशन पर है। अब क्या करते हैं कि आप इसको पकड़ के ड्रैग करते हो नीचे क्या, तो देखो दिखा रहा है 3, 8, 4, 6, 1, 2, 2, 2, यहाँ देखो सबको 2-2 दिखा रहा है। इसमें आपको एक चीज करना होता है, एक चीज छूट गया, इसमें आपको करना ये होता है कि आप जैसे किसी एक बंदे का कंपैरिजन, इसका कंपैरिजन करा दिया सभी से, उसी तरीके से दूसरे का आप डबल क्लिक करते हैं, तो ये देखो इसका कंपैरिजन कर रहा है लेकिन इसको छोड़ दिया, ये सारे को ले रहा, नीचे के ले लिया, तो भाई हमें तो इन पूरे में कंपैरिजन कराना, तो एक ये गलत हो गया। फिर इसी तरीके से नीचे जाते हो, F2 दबाते हो, तो इसका भी देखो नीचे छोड़ दिया, इसका भी देखो छोड़, तो ये जो है नीचे डेटा को लेते गए, इस वजह से रैंकिंग सबकी गलत निकल गई। हमें क्या करना होता है कि जिसकी रैंकिंग हमने निकाल ली, इसकी रैंकिंग तो हमने एकदम सही निकाला कि भाई इस बंदे का शीला की जवानी, इसका हमें परसेंट रैंकिंग जाननी है पूरे में, तो इसके रैंकिंग को आपको जाननी है। तो आप क्या करते हो कि इन टोटल नंबरों को, चूंकि हर एक सेल में आपको रिकॉल कराना है, मतलब हर सेल में इसी एड्रेस को पढ़ाना है, तो आप क्या करते हो इसको सेलेक्ट करके और इसको लॉक करते हो F4 से। जब F4 दबाते हो तो ये आपका क्या होता है, सेल एड्रेस लॉक हो जाते हैं। इसका मतलब ये आपका हो जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या काम करता है कि ये सेल एड्रेसों को हर जगह पढ़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो आपका H3 दिख रहा है, मतलब इसका कंपैरिजन कराना है। नेक्स्ट आपका 74.8 का कंपैरिजन सभी में कराना है। इसको हमने रिलेटिव ही रख दिया, रिलेटिव का मतलब कि सेल एड्रेस ऑटोमेटिक चेंज हो। करने का एंटर करते हैं। अब देखो इसको हम जब ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ खींचते हैं, तो ये देखो ये रैंकिंग सबकी चेंज हुई। अब आप अगर डबल क्लिक करते हो तो ये देखो यहाँ H4 दिखा रहा है, यहाँ H2 H11 दिखा रहा है, फिर यहाँ डबल क्लिक करते हो तो यहाँ देखो H5, मतलब इसको चेंज कर दिया, फिर ये सेम पड़ रहा है। फिर डबल क्लिक किया, फिर देखो इसकी रैंकिंग पूरे में दिखा रहा है, डबल क्लिक किया इसकी रैंकिंग दिखा रहा है। F2 से भी इसको हम लोग देख सकते हैं, F2 दबाया
एंटर कर दिया, F2 दबाया तो देखो 73.4 का दिखा रहा सब में, F2 दबा, तो हम लोग इसको डॉलर लगाकर और क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं कि भाई ये सेल एड्रेस हर जगह इसी को पढ़े। तो आपको ये रैंकिंग का पता चल गया कि भाई एक नंबर पोजीशन पर कौन है। तो ये देखो ये एक नंबर पे, मतलब इसका जो पोजीशन है वो पहले नंबर पे, पहला स्थान ये पाया है स्कूल में, जिसका परसेंटेज 77%, मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर है। सेकेंड आपका ये होता है जो कि दो नंबर पे 75.2% पाया, मतलब दूसरे पोजीशन पर है। तीसरे पोजीशन पर 74.8% है तीसरे पोजीशन में, इस तरीके से करके चौथा पोजीशन, पांचवा पोजीशन, इस तरीके सभी के पोजीशन को आपको दिखा रहा है। आप इसको शार्ट करके भी देख सकते हैं कि भाई सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 सज जाए, आप सेलेक्ट कर लेते हो डेटा को, आप जाते हो शार्ट फिल्टर और शार्ट स्मॉल टू लार्ज पर क्लिक कर देते हो। क्लिक करते ही देखो ये डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें आप करते हो एक्सपेंड द सिलेक्शन, इसको लेकर शार्ट करते हो तो पूरे सेल एड्रेस को ही वो मूव करा देता है। शार्ट करा दिया, अब ये देखो ये 1 2 3 4 पोजीशन आपका सीरियल वाइज सज गया। यहाँ देखो आपका 77%, 75.2%, 74.8, 73, इस तरीके से आपका परसेंटेज घटते गया, मतलब एक पोजीशन पर ये 2 3 4 दसवें पोजीशन पर ये बंदा आया हुआ। ठीक है, तो ये मेरा रहा रैंक फंक्शन, जिससे हम लोग रैंकिंग का पता करते हैं, पोजीशन का पता करते हैं कि भाई एक नंबर पे पोजीशन किसकी है। अब इसको आइए फिर हम सिखाते हैं कि नेक्स्ट परसेंट रैंक का यूज कैसे करते हैं। इसको हमने अंडू कर दिया, अंडू करने से आपका फिर ये जो शार्ट किया था वो नॉर्मल हो गया। अब देखिए परसेंट रैंक भी सेम वही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि परसेंट रैंक से हम लोग परसेंटेज जानते हैं, यहाँ तो क्या हुआ नंबरिंग में दिखा देगा भाई एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, मतलब पोजीशन बता देगा पहले स्थान पर ये है, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, सेम वही चीज परसेंट रैंक है, लेकिन इसमें क्या करता है ये परसेंटेज में दिखाता है, 1 2 3 पोजीशन ना दिखाकर परसेंटेज की सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका, मतलब हाईएस्ट नंबर जिसका है भाई उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज माना जाएगा, उससे लो नंबर उससे कम परसेंटेज, उससे लो नंबर उससे कम परसेंटेज, तो उसको निकालने के लिए हम लोग परसेंट रैंक का यूज करते हैं। परसेंट रैंक यूज करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले इज इक्वल टू देते हो। इज इक्वल टू देने के बाद एक सेकेंड, ये देखिए साइज इसका छोटा हो गया, तो सेम चूंकि ये साइज कॉपी करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेते हो, लेकर अगर आप यहाँ से यहाँ ड्रैग कर देते हो तो सेम यही फॉर्मेट इस पर कॉपी हो जाती है। यहाँ देखो 16 साइज आ गया कैलिब्री, अब यहाँ लिखोगे तो आपका बड़ा आएगा, देखो आ रहा है, तो आप इक्वल टू देते हो और यहाँ पर लिखते हो परसेंट रैंक। ये देखो एक्सेल की एक बेहतरीन खासियत ये है कि जब भी हम किसी फंक्शन का 2 3 कैरेक्टर लिखते हैं, स्टार्टिंग कैरेक्टर लिखते हैं, तो उससे रिलेटिव फंक्शनों के लिस्ट को नीचे दिखा देता है। तो हमें परसेंट रैंक लेना है तो पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सेलेक्ट करते हो और टैब बटन कीबोर्ड का दबा देते हो, जिससे परसेंट रैंक पूरा लिख कर आ जाता है। इसमें देखिए आपसे पूछ रहा है एरे, एरे का मतलब कि वह डेटा जिस डेटा से आपको परसेंट की रैंकिंग जाननी है। तो एरे में पूरे डेटा को लेते हैं, जितने जो कि सारे कैंडिडेटों का नंबर परसेंटेज होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। एरे हमारा ये हो गया, पूरे डेटा को लेते हैं, इसको एरे बोलते हैं। इसके बाद आप लगा देते हो कामा। अब देखो जैसे पिछली बार हमने बताया था रैंक में कि इस पूरे डेटा की कंपैरिजन करना है, हर मतलब हर एक सेल में इसको पढ़े, लेकिन ये बीच बीच का एक एक कंपैरिजन करे तो अलग अलग चेंज होते हैं। तो हमने क्या किया था, उसको हमने लॉक कर दिया था, इसको भी यहाँ हम लॉक कर देते हैं कि हर सेल में इसको पढ़े। तो F4 बटन कीबोर्ड से दबाते हैं, देखो डॉलर लग गया, मतलब ये लॉक हो गया, कामा देते हैं। नेक्स्ट एक्स, एक्स का मतलब कि वह नंबर, वह परसेंटेज जिस नंबर का आपको सभी में कंपैरिजन कर कर जानना है। तो आपको पहला ये इसकी कंपैरिजन करनी है किस में, तो इन पूरे डेटा में, तो आप एक्स दे देते हो। सिग्निफिकेंस से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, ये ऑप्शनल है, देखो ब्रैकेट में बनाया ऑप्शनल का मतलब इसको आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, तो इससे कोई हमें खास मतलब नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करते हैं। ये देखो एंटर करते ही आपको दिखा रहा है 0.666, ये आपको दिखा रहा है, तो भाई परसेंटेज नहीं दिखा रहा, तो आप क्या करते हो इसको ड्रैग कर दो नीचे तक। अरे वो ड्रैग किया तो फिर दूसरे का 8 8 7 7 0, ये सबका अलग अलग आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इसमें आप डबल क्लिक अगर दूसरे पर करते हो, देखो ये आपने चूंकि डॉलर लगा के लॉक किया था, तो देखो ये पूरे को पढ़ रहा है और ये देखो चेंज कर दिया, क्योंकि इसको डॉलर नहीं लगाया था, फिर इंटर किया, इसको डबल क्लिक किया तो देखो ये चेंज कर दिया, एक सिंगल चेंज कर दिया नीचे और ये पूरे को सेम पढ़ रहा है, फिर नीचे ये देखो इसको पढ़ रहा है, इसको पूरे को पढ़ रहा है,
तो ये क्या होता है कि आप डॉलर लगाते हो तो एक सेल को फिक्स कर देता है जिस सेल पर आपने डॉलर लगाया हो, और जिसको आप डॉलर नहीं लगाते हो उसको वो चेंज करते जाता है। तो ये देखो सब पे चेंज करते जा रहा है और जिस पे डॉलर आपने लगाया उसको हर जगह पढ़ रहा है। तो यही मेरा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस ऑटोमेटिक चेंज होते रहता है, लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है मैं सब पढ़ता है। जैसे ये एब्सोल्यूट रेफरेंस होगा जो कि आपने डॉलर लगाया तो ये चीज़ हर जगह पढ़ रहा है। ये रिलेटिव रेफरेंस होगा जो कि ये हर बार चेंज होते जा रहा है। अभी यहाँ पर आपको परसेंटेज में दिखा नहीं रहा, तो परसेंटेज में देखने के लिए अब इसको आप सेलेक्ट कर लेते हो और यहाँ से नंबर की फॉर्मेटिंग को बदल लेते हो। जनरल पर क्लिक किया और यहाँ देखो आपको दिखा रहा है परसेंटेज, परसेंटेज पर आप क्लिक कर देते हो। क्लिक करते ही ये देखो ये आपका परसेंटेज में दिखा दिया कि भाई देखो ये दिखा रहा है एक पोजीशन, चूंकि भाई क्लास में फर्स्ट पोजीशन आया था तो 100% मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर है। इसके बाद इससे नीचे आप आते हो दो क्लास 88.8%, 78%। तो इस तरीके से सबकी रैंकिंग आपको परसेंटेज में दिखा दी। इसको भी आप सॉर्ट कर सकते हो, आप इसको सेलेक्ट करते हो सॉर्ट फिल्टर, स्मॉल टू लार्ज किया, एक्सपेंड द सिलेक्शन को सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करते ही देखो ये आपका 0, 11, 12 सबसे एक नंबर पोजीशन पर ये है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट नंबर पाया है 77%। तो ये आपका क्या है प्रमोद है। ये देखिए शीला की जवानी है, शीला की जवानी है 88.80% ये पाया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा परसेंट और परसेंट रैंक का यूज हम लोग करते हैं, सॉरी रैंक और परसेंट रैंक फंक्शन का यूज करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि आप युवा पीढ़ी को कंप्यूटर क्षेत्र में बढ़ावा देना, मतलब बेहतर से बेहतर कंप्यूटर में नॉलेज देना। तो आइए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मैं इसी तरीके से बनाते रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और नेक्स्ट टाइम आप इसको बारी बारी से रिवीजन करेंगे, जिससे आपको ये जो टॉपिक है रैंक और परसेंट रैंक आपके मेमोरी में ये मेमोराइज हो जाएगा, जिससे नेक्स्ट टाइम आप कभी भी किसी जगह पर इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।